हाय तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियजीत और आप देख रहे हैं द ट्रैवल गुरु प्रियजीत। तो आप सभी जानते हैं, हाल फिले में मैं एक बाइक खरीदा हूं ट्रैवल के लिए, एडवेंचर मॉडल BMW G310 GS। तो उसके लिए मैं कुछ सामान ऑर्डर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रैवल पे चलना है, घूमने जाना है। तो एक बहुत ही एक्साइटेड, जो हर ट्रैवलर को चाहिए वो सामान आया है। आज ही जस्ट कुरियर वालों ने देखे गया है, मैं ऑनलाइन खरीदा हूँ। कैसे कहाँ से खरीदा हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स में मैं नीचे दे दूंगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं जल्दी जल्दी और आपको दिखाते हैं क्या खरीदे हैं। तो यहाँ पे सामान है जो खरीदे है, यहाँ पे ही है। बॉक्स ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या खरीदे हैं। पहले इसको मैंने काट लिए हैं, अभी खोलते हैं बॉक्स। जबरदस्त पैकिंग है इसका। ये देखिए क्या फिनिशिंग बॉस, अल्टीमेट। तो 1 2 3, हा क्या है ये, आप देखिए पूरा इसका बिल्ड क्वालिटी यही है, बहुत ही बिग 48 लीटर, बहुत ही वजनदार। और इधर दो हैंडल दिया है पकड़ने के लिए, इधर बंजी कॉर्ड लगा सकते हैं, वाटरप्रूफ है, यूज कर सकते हैं। और इसके पीछे ये प्लेट है, ये प्लेट आ जाएगा उसमें लग जाएगा। इसको कैसे खोलते हैं, ये लॉक है, यहां पुश करेंगे, ऐसे खोल गया, ऐसा खोल गया। और कुछ सामान खरीदे हैं वहाँ से ही। ये तापड़िया का जो रेंज का सेट, ये लगाने के लिए तापड़िया का अलाइन की दिखाते हैं। ये पूरा अलाइन की सेट जो आपको BMW के जो काम कराने के लिए लगेगा। ये है जो स्टैंड के साथ, जो स्टैंड अगर गिरा रहे तो वहाँ पे जो पावर सॉकेट है उसके प्रोटेक्ट एल्युमिनियम का है, प्योर एल्युमिनियम का। ये बहुत बाबा है, बहुत बढ़िया हुआ है। और ये इसका साइज भी बहुत अच्छा है, ये मेरे हाथ पे देखिए बहुत स्पेशियस है। स्टैंड का जो स्टैंड छोटा होता है, कभी भी धस सकता है, हम लोग जब यूज करते हैं तो स्टैंड का जो फुट रेस्ट, स्टैंड को बड़ा करेगा ये। हर चीज़ का प्राइस मैं बाद में बताऊंगा। ये टैंक के ऊपर लगाने के लिए GS का टैंक जो लॉक है, लॉक का ऊपर लगाने के लिए स्टिकर। ये टैंक फ्रंट पैड, ये टैंक साइड पैड। और ये सब सामान इसको लगाने के लिए, अंदर में दो की इसको लॉक करने के लिए, कैसे लॉक हो जाएगा इसको लॉक करने के लिए। और रात को अगर लाइट आए तो उसमें, अगर आपको पीछे से ये स्टिकर है, ग्लो साइन स्टिकर। अंदर का कुशन देखिए, फिनिशिंग देखिए, बहुत कंफर्ट है, फोम है, मेरे को बहुत लेदर फिनिश है, बहुत लेदर फिनिश है।
इधर दो पॉकेट दिए गए हैं जिसमें मैं ऐसे मोबाइल डाल सकता हूँ, दो दो मोबाइल या कुछ सामान जो चाहिए डाल सकते हैं। फिनिशिंग है, ये पॉकेट मेरे को अच्छा लगा। क्वालिटी मतलब एक नंबर, क्वालिटी में कोई ये लोग ये छोड़े नहीं। तो इसको पहले ऐसे लगाओ, फिर ऐसे दाब दो, फिर ये लॉक से लॉक कर दो, बस। अब इसको दबाने से ही नहीं खुलेगा, दबाने पर भी नहीं खुलेगा, ऐसा लॉक ओपन दबाओ खुल जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे किसी को ना लगे इसलिए सेफ्टी, फुल वाटरप्रूफ और क्या। तो आप देख ही लिए, अभी चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल हो जाएगा वो दिखाएंगे। इसके पीछे दिखाते हैं, इसके पीछे जो है वो लग जाएगा एक्चुअली। ये देखिए इसका पीछे क्या है, इसका पीछे ये रैक है, ये रैक बैठेगा मेरा BMW में। ये रैक खोलने के लिए कुछ नहीं, इसको दबाना पड़ेगा, खोल गया। अब इसको प्लेट को ऐसे पीछे करेंगे और उठाएंगे, खोल जाएगा। उसके बाद ये दिखाएगा, ये सिस्टम है और कुछ नहीं। पहले रैक, ये रैक ये बैठ जाएगा पूरा, और ऐसे लॉक हो जाएगा। चलिए अभी चलते हैं अपने GS पे, BMW GS पे, उसमें सारा सामान फिट करते हैं आपको। तो मैं आ गया अपने GS पे, ये रहा बेस प्लेट, ये इधर बैठेगा। कैसे बैठेगा क्या होगा आपको दिखा रहा है। यहाँ पे होल है, ये होल पे मिला के बैठाना है, यही एडजस्टमेंट करना है और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट करके बिठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं काम। तो बॉक्स लगाने के बाद बाइक का क्या लुक्स आ रहा है ये एक बार देखिए भाई। मेरे को तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये मेरे को बोलिए कि टॉप बॉक्स लगाने के बाद मेरा बाइक कैसा दिख रहा है। और बहुत इजी है, इसमें कुछ भी वैल्यूएबल सामान लोड कर दे रहे उसके बाद बाइक को लेके निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा 100% वाटरप्रूफ है और अंदर लेदर फिनिश है। तो कैसे लगा बताइए।